एएनएम की महिलाएं थमने की नाम नहीं ले रही हैं, लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं अभी तक क्या कुछ परिणाम निकला है और आगे क्या ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। क्या वो एग्जाम देंगी, क्या कुछ होगा, ये सब तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, क्या कहेंगे उस पर? जी बिल्कुल, आज हम लोग का हड़ताल का 12वां दिन है और हम लोग 12 दिन से इस हड़ताल में बैठे हुए हैं। और जो नियमावली थी, जो नियमावली 2018 के निहित प्रावधानों के अनुसार जो हमारी वैकेंसी निकाली गई थी 10709 की, उसको फुलफिल करने में ही हमारी सरकार की दम निकल रही है, तो ये फिर दूसरी नोटिफिकेशन देने की और एग्जाम लेने की बात कहाँ से आ रही है? ये तो एग्जाम होनी ही नहीं है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, जगह जगह पर हम लोग चक्का जाम करेंगे, कार बाधित करेंगे और एग्जाम के लिए हम लोग एग्जाम को एकदम अवरुद्ध करते हुए एग्जाम हम लोग नहीं देंगे। आप इधर प्रदर्शन दे रही हैं, उधर नोटिफिकेशन निकल रहा है, क्या लगता है आपकी बातों को सुनी जा रही है? बिल्कुल, ये सरकार की दोहरी नीति है, ये सरकार की दोहरी नीति है और हम लोग के साथ सरकार कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ठगने का कार्य कर रही है। अभी तक तो हम लोग को सरकार ठगी ही है और अब हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं किस तरह से बैठी हुई हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए। क्या लगता है आप लोग की जीत होगी? अब जीत तो होनी है, लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? जो लड़ाई कर रही हैं और उधर नोटिफिकेशन निकल रहा है एग्जाम के डेट का। देखिए, नोटिफिकेशन से कोई बहस नहीं है। नोटिफिकेशन आप उस समय क्या सोच के निकाले थे वैकेंसी, उसी समय ना सोच के निकालते। जब वैकेंसी निकल गई तो बीच में छेड़खानी नहीं होती। हाँ, आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें बीच में बदलाव नहीं ला सकते हैं। बदलाव ला के आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग को बैठाना चाहते हैं दिखा के? हम लोग क्या बच्चे हैं, बिस्कुट दे के बुलाना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं होता है ना। जो आप एक बार किए वही पे आप अटल रहिए, हम लोग को उसी पे लीजिए। प्रदर्शन पे डटे रहेंगे? हाँ, डटे रहेंगे। एग्जाम का डेट आ गया, उसी बीच तो नहीं निकलेगा एग्जाम का डेट, उसके लिए हम लोग आगे भी लड़ेंगे, उसके लिए हम लोग आगे भी लड़ेंगे। लगातार 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप, घर परिवार में कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हाँ, फैमिली वाले बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे को भी छोड़ के आना पड़ता है, उन लोगों को खाना पीना कैसे, स्कूल है, वो सब छोड़ के यहाँ पे आना पड़ता है। फिर भी हमारी सरकार को आंखें नहीं खुल रही है कि हम लोग के साथ एक महिला को उतना दूर से 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आते हैं कुछ ये अच्छा लगा के, मगर वो हम लोग की इच्छा को कभी पूरा नहीं करते हैं। ऊपर से बीच में एग्जाम का डेट ये एग्जाम कर दिया, ऊपर से निगेटिव मार्क कर दिया हम लोग का, मतलब डोला सेवक का और ये क्या कहते हैं को दोगुना सैलरी कर दिया है विकास मित्र का। हम लोग का 11,500, उसके लिए कितना सारा एग्जाम देना पड़ रहा है। एक ही हम लोग CBT ऑलरेडी दे के आए हैं, फिर से दोबारा CBT एक ही एग्जाम के लिए। ये सरकार का कैसा नीति है बताइए, कहीं से सही नहीं है सरकार। डबल बार एग्जाम, एक बार तो हम एग्जाम दे के आए हैं फिर डबल बार एग्जाम, क्या है? आगे क्या करेंगे? आगे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग काम नहीं करेंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। हार नहीं मानेंगे? नहीं, हार नहीं मानेंगे। जब सड़क पे निकल गए हैं तो उनको निर्णय लेना होगा, हम लड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये है एएनएम की महिलाएं, साफ तौर पे इनका कहना है कि हम हार नहीं मानेंगे, अगर नोटिफिकेशन आया तो क्या उसको रद्द करवा देंगे, एग्जाम नहीं देंगे और हमारी बातों को सरकार को सुननी पड़ेगी क्योंकि हम अब रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। तो देखना लाजमी होगा कि सरकार इनकी बात कब सुनती है क्योंकि लगभग 12 दिन हो गए हैं पटना के गर्दनी बाग में ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बने रहिए कहुस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।